हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कास्टिंग। जैसा कि आप टाइटल से आपको पता चल गया होगा, और यहाँ पे खेल रहे हैं स्कल्स मैशर 13 वर्सेस टाइटन एक्स रॉक। तो आप जैसे कि देख सकते थे स्टार्टिंग में, यहाँ पे टाइटन एक्स रॉक ने हमने थोड़ा सा जलवा दिखाया, और टाइटन एक्स रॉक यहाँ पे लेफ्ट से जाता अपने लेफ्ट से आते हुए, और यहाँ पे टाइटन एक्स रॉक ने लेवल 3 का वेस्ट उठा लिया है। टाइटन एक्स रॉक ने लेवल 3 का वेस्ट उठा लिया है, और ये थोड़ा सा उनके बेस में जाके देखेंगे कि कहीं वो कैंपिंग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पूरा बेस छान मार लिया, लेकिन उनको अभी तक नहीं मिला, तो देखते हैं कि वो कहाँ है। स्कल स्मैशर अपने बेस पे पूरा टर्न लेके आ गए, और स्कल स्मैशर ने डैमेज देने की कोशिश की, लेकिन तो नाकामयाब रहे। और टाइटन एक्स रॉक थोड़ा सा वहाँ पे टीपी पी लेते हुए, स्कल स्मैशर भी इधर से टीपी पी लेते हुए, देखते हैं क्या होता है। स्कल स्मैशर ने जंप शॉट देने का, लेकिन और यहाँ पे दोनों लोग होते, और यहाँ पे स्कल स्मैशर ने यहाँ पे फिनिश कर दिया है टाइटन एक्स रॉक को। और उधर देख रहे, चलिए उनको स्पेक्टेट करते हैं। यहाँ पे स्कल स्मैशर ने अपना उजी रिलोड कर लिया है, और उनके पास कारिल है। टाइटन एक्स रॉक ने यहाँ पे ग्रेनेड भी फेंका, उसके पीछे स्टन भी फेंका, और लेफ्ट से आते हुए पीछे से पता नहीं ये स्कल स्मैशर किधर जा रहे हैं। और यहाँ पे टाइटन एक्स रॉक ने बड़े ही आसानी से यहाँ पे स्कल स्मैशर को फिनिश कर दिया है। और स्कल स्मैशर अपने बेस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए यहाँ पे टाइटन एक्स रॉक लेफ्ट में अपना पूरा बिछाए हुए, और यहाँ पे टाइटन एक्स रॉक ने क्राउच करके स्कल स्मैशर को बड़े ही आराम से फिनिश किया। अब देखते हैं, टाइटन एक्स रॉक अराउंड 50 एचपी पे थे, और उन्होंने शायद देख लिया, और ये पता नहीं इनका रिएक्शन टाइम बहुत लेट हो गया रिएक्ट करने के लिए, लेकिन उन्होंने स्लाइड कर दिया और यहाँ पे फिनिश करने की कोशिश, और इनकी गन रीलोड पे आ गई, और इन्होंने जो गन स्विच किया, ओ माय गॉड, एकदम पे आके रुक गए थे। यहाँ पे इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया कि जल्दी से इन्होंने अपना गन स्विच किया, और यहाँ पे इन्होंने लेवल 3 का हेलमेट भी उठा लिया है। स्कल स्मैशर बीच से आते हुए, और यहाँ पे टाइटन एक्स रॉक का स्टेबिलिटी नहीं मिला, और स्कल स्मैशर ने टाइटन एक्स रॉक ने फिर से सेम चीज किया, और फिर से बड़े आराम से फिनिश कर दिया एक 2 एचपी के साथ। और यहाँ पे स्कल स्मैशर पता नहीं क्या करे, स्कल स्मैशर बीच आते हुए फिर उन्होंने डैमेज देने की कोशिश की, लेकिन बीच में टाइटन एक्स रॉक क्राउच कर गए, तो उनका अराउंड 50 एचपी, ये उनका मौका है कि अरे वाह, उनको एकदम बीच में खड़े होके वो एमो उठा रहे थे, तो उसी टाइम उन्होंने स्कल स्मैशर आए, और उन्होंने इस चीज का बहुत ही बढ़िया एडवांटेज लिया, और उन्होंने यहाँ पे टाइटन एक्स रॉक को फिनिश कर दिया। और स्कल स्मैशर राइट से जाते हुए, टाइटन एक्स रॉक बीच में नहीं, अपना वेस्ट चेंज कर रहे, उन्होंने शायद ग्रेनेड फेंका था, और उनको स्कल स्मैशर ने थोड़ा सा डैमेज दिया, और टाइटन एक्स रॉक को दिख गए, उन्होंने भी थोड़ा सा डैमेज दिया, और यहाँ पे स्कल स्मैशर का बेहतरीन हिप फायर पीछे मूव होते हुए, और उन 75 एचपी पे लाए थे, और 75 एचपी पे ही मरे, और यहाँ पे टाइटन मरे नहीं, मतलब सॉरी, मार दिया, माय बैड। और यहाँ पे ग्रेनेड फेंका और स्टन भी साथ में फेंका स्कल स्मैशर, यहाँ पे टाइटन एक्स रॉक ऊपर चढ़ गए और आराम से लेट गए। स्कल स्मैशर को ऊपर थोड़ा सा जंप शॉट लेकर डैमेज देने का कोशिश किया, लेकिन स्कल स्मैशर और यहाँ पे कुछ अनस्टेबल मूवमेंट, और आराम से फिनिश कर दिया है टाइटन एक्स रॉक को स्कल स्मैशर ने यहाँ पर। अब टाइटन एक्स रॉक यहाँ पे स्टन ग्रेनेड फेंकते हुए, उसी के साथ साथ नॉर्मल ग्रेनेड भी फेंकते हुए स्कल स्मैशर यहाँ पे पीछे से टीपी पी लेते हुए, और यहाँ पे क्राउच हो गए थे, उनका रिलोड पे आ गए, और जंप शॉट लेके फिर फिनिश कर दिया। बहुत ही कांटे का टक्कर टाइप हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं स्कल स्मैशर इधर टीपी पी लेते हुए, उधर से टाइटन एक्स रॉक आते हुए, और स्कल स्मैशर दूसरे साइड आने के लिए, ताकि शायद वो लेवल 3 हेलमेट उठा सके। जी हाँ, आराम से वो लेवल 3 हेलमेट उठा लेंगे, और टाइटन एक्स रॉक बीच के आसपास, ये बड़ा अजीब सा मूवमेंट चल रहा है इनका। और यहाँ पे इनके पास से ऑग से देखते हैं क्या कर सकते हैं। ऑग से इन्होंने डैमेज देने का कोशिश किया, और बड़े ही आराम से इन्होंने फिनिश कर दिया। वैसे आराम से तो नहीं कहेंगे, डैमेज बहुत ही ज्यादा लिया इन्होंने, और रिलोड करते हुए इनका वेस्ट भी अराउंड 20-30% डैमेज हो चुका है। और यहाँ पे स्कल स्मैशर ने मूव करते करते टाइटन एक्स रॉक को खत्म कर दिया। अब टाइटन एक्स रॉक यहाँ पे उजी पे स्विच करते हुए, पता नहीं इनका मूवमेंट ऐसा अजीब सा क्यों दिख रहा है, और गेम में बचा है सिर्फ 5 मिनट, और स्कोर है 6-all का। स्कल स्मैशर ने स्पॉट कर लिया है, और डैमेज भी दे दिया,
और यहाँ पे स्कल स्मैशर पीछे आके उनको फिनिश कर दिया। पता नहीं स्कारिल वर्सेस ऑग में स्कारिल ने ऑग को हरा दिया, नहीं सॉरी उजी था। और यहाँ पे ग्रेनेड आया मुंह, स्कल स्मैशर के मुंह पे ग्रेनेड आया और यहाँ पे उजी से डैमेज दिया। ठीक है, एक स्प्रे में इनको पूरा खत्म कर दिया। स्कल्स टाइटन एक्स रॉक को बड़ा ही दुख हो रहा होगा, जो पहले मैच में इनको बड़े ही आराम से हराए थे। इस मैच में इनका जो मतलब जो बुरा हाल कर दिया है यहाँ पे स्कल स्मैशर ने। टाइटन एक्स रॉक यहाँ पे लेवल 3 उठाते हो, और लेवल 3 उठाने में उनकी बहुत ही बड़ी गलती, उन्होंने स्कल स्मैशर का लोकेशन नहीं पता किया था। स्कल स्मैशर 70 HP पे आके फिर स्कल स्मैशर बीच में आके यहाँ पे थोड़ा सा TPP लेंगे, उनका लोकेशन पता करेंगे। उनको टाइटन एक्स रॉक का लोकेशन पता चल चुका है और स्कल स्मैशर रश मारने की कोशिश करेंगे यहाँ पे स्लाइड करके, जो इन्होंने डैमेज दिया है। और यहाँ पे शायद टाइटन एक्स रॉक थोड़े से डीसिंक हो गए थे, बीच में वो रुक गए थे और स्कल स्मैशर ने उसका पूरा एडवांटेज लिया और पे इनका वेस्ट 20-30% डैमेज हो चुका है। टाइटन एक्स रॉक यहाँ पे थोड़ा सा मीटअप करने का, थोड़ा सा स्कैम करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्कल स्मैशर ने डैमेज दिया था तो फिर उन पे रीलोड आ गई और यहाँ पे स्विच करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। उजी से टाइटन एक्स रॉक ने जल्दी से रीलोड किया और पुश कर दिया उन पे। स्कल स्मैशर बीच से जाते हुए टाइटन एक्स, उनको पता नहीं था कि टाइटन एक्स रॉक इधर ही बैठे हुए, और उनको पीछे से स्कल स्मैशर आके डैमेज दिए और ये गलत ही डायरेक्शन में जाते हुए स्कल्स टाइटन एक्स रॉक बीच में चले गए। स्कल स्मैशर उनके जस्ट पीछे है, सॉरी स्कल्स टाइटन एक्स रॉक यहाँ पे बीच में करते और ये कहा है स्कल स्मैशर इधर पीछे है, ये पूरा रिंगर रिंगो रोजेस टाइप लग रहा है। और यहाँ पे ये क्या ग्लिच सा लग रहा था, और यहाँ पे टाइटन एक्स रॉक को बड़ी आराम से फिनिश कर दिया है स्कल स्मैशर ने। और यहाँ पे टाइटन एक्स रॉक फिर से पुश करते हुए, टाइटन एक्स रॉक को बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, जैसे फर्स्ट मैच में आराम से जीत गए थे, इस मैच को जीतने में इनको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लग रहा है इन्होंने अनन्या पांडे से भी ज़्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस मैच के लिए। लग रहा है आज कुछ हैक्स वैक्स लगा के आए इसलिए इतना आराम से हरा दे रहे स्कल स्मैश टाइटन एक्स रॉक। अब रॉक अभी तक कितने सारे वेपन्स अभी तक स्विच कर सक चुके हैं और यहाँ पे अभी इन्होंने M4 पे स्विच कर दिया है और यहाँ पे स्कल स्मैशर को बड़े ही आराम से फिनिश कर दिया, क्योंकि वो एक ही जगह रुक गए थे, मूव नहीं कर रहे थे। पता चल गया स्कल स्मैशर, उन्होंने अपनी लोकेशन थोड़ी सी रिवील कर दी है। स्कल स्मैशर वहाँ पे थोड़ा सा टीपीपी काइंड लेते हुए और उनके जस्ट पीछे से आते हुए और ये ऊपर चढ़ के ये क्या हो रहा है, और यहाँ पे शॉट्स लेने का और टाइटन ने क्राउच प्लस हिप फायर देते हुए M4 से स्कारेल को हरा दिया। और पता नहीं ये यहाँ पे स्कल स्मैशर शूटिंग इन्होंने बीच में रुक दी, लग पता नहीं कुछ हुआ होगा, लेकिन टाइटन एक्स को 50 HP पे लाके रोक दिया है और 12-10 का स्कोर है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, स्कल स्मैशर ने टाइटन एक्स रॉक को बड़े आराम से फिनिश कर दिया, 60 HP पे थे, ज़्यादा उन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। और यहाँ पे गेम में बस एक ही मिनट बचा है, 13-10 का स्कोर है। यहाँ पे स्कल स्मैशर उनको लग रहा है कि इधर से आएंगे, लेकिन वो तो दूसरे साइड से निकल चुके हैं आगे। गेम एग्जैक्ट 1 मिनट बचते हुए टाइटन एक्स रॉक को चले स्पेक्टेट करते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। वो ट्राई करेंगे पुश करने का ताकि 3 किल जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। और यहाँ पे चलिए देखते हैं स्कल स्मैशर यहाँ पे बीच में उन्होंने चैलेंज किया कि देखो मेरी लोकेशन यहाँ पे, आ के मार सकते हो तो मारो। बहुत ही बढ़िया चैलेंज, टाइटन एक्स रॉक पीछे से जाते हुए स्कल स्मैशर सामने ही है उनके जस्ट, और यहाँ पे क्लैश हो गए और यहाँ पे स्कल स्मैशर ने टाइटन एक्स रॉक को मार दिया। और पता नहीं ये क्यों थोड़ा सेलिब्रेशन टाइप गोली चला दिया उन्होंने। अब यहाँ पे ग्रेनेड किल निकालने का ट्राई करेंगे, लास्ट 25 सेकेंड्स है, मेरे को नहीं लगता अब टाइटन एक्स रॉक कुछ कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 किल निकाल पाएंगे, लेकिन मेरे को वो लग रहा है वो भी थोड़ा सा शायद मुश्किल हो सकता है इनको। और यहाँ पे पता नहीं ये फायर इन्होंने नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने, आराम से किल निकाल सकते थे। एक लास्ट ग्रेनेड किल का ट्राई करना चाहेंगे और यहाँ पे
स्कल स्मैशर ने अपने लास्ट विन का, लास्ट हार का इन्होंने बदला ले लिया है। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। Hang him from the yard.